अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर के शॉर्ट लेसन्स में आपका लेसन नंबर है ये आपका 8, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, इसको स्टडी करेंगे। चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, इसका मतलब है चाइना की तरक्की का सफ़र। इसमें राइटर ने हमें चाइना जो आज एक बहुत बड़ा मुल्क है उसके बारे में कुछ बताया है कि किस तरह से वो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क बना है। पहले थोड़ी सी उन्होंने हिस्ट्री बताई है कि जो चाइना है पहले तक ये बहुत ज़्यादा कह लें एक जहलियत वगैरह थी और बहुत बुरे हालात में रहता था, क्योंकि इनकी हुकूमत वगैरह ठीक नहीं थी। लोग अक्सर इसको एक जजीरा था उसके साथ मिक्स करके कर जाते थे कि ये शायद उसका कोई हिस्सा है। उनको नहीं पता था कि ये एक्चुअली 25% आबादी रहती है चाइना में दुनिया की। तो लेकिन इनके बहुत से बुरे हालात थे। फिर यहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने एक इनकलाब लेकर आया, एक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद नई हुकूमत आई, फिर उन्होंने तमाम लोगों को कामों पर लगाया। पहले तो चाइना को मुल्क मारने को तैयार भी नहीं था, लेकिन ये कि उन्होंने अपने मेहनत वगैरह की और जो इनके पास ज़राए मौजूद थे, रिसोर्सेज मौजूद थे, उनका इस्तेमाल किया और करते करते तरक्की करते हुए दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया ये। तो ये कि पहले तक लोग जो इनसे मिलना भी नहीं पसंद नहीं करते थे, तो कह लें जो इनको मानने को तैयार नहीं थे कि ये मुल्क हैं, वो फिर लाइनें लगा के खड़े रहते थे ताकि इनसे हाथ मिला सकें, इनके साथ मिल सकें और इनके साथ कारोबार कर सकें, कि चाइना ने अपने आप को दुनिया के लिए फैशन बना लिया है। ये कि इनकी अब इकोनॉमी के बारे में कुछ बात की गई कि इस वक्त चाइना जो है दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। तो अब चाइना जो है एक्चुअली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब कि एक ज़राती कंट्री है, कि इन्होंने एक अच्छा सिस्टम रखा हुआ है कि ज़्यादा इनका ज़रात पे बहुत ज़्यादा रुझान है। तो इस वक्त जितने भी इनके पास रिसोर्सेज थे शुरू में, तो इनके जो लीडर थे माओ, उन्होंने कहा कि हमने इन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है और मशीनों की बात नहीं है, बात यह कि हम खुद अपने रिसोर्सेज पैदा करें तो उससे हम जल्दी काम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। फिर इन्होंने कंट्री को एक एग्रीकल्चरल कंट्री बना दिया, मतलब इन्होंने ज़रात पे काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। इन्होंने कंप्लीट एग्रीकल्चरल सिस्टम को कुछ ब्रिगेड्स में डिवाइड कर लिया और उनको कम्यून सिस्टम के मुताबिक चलाते हैं। तो कम्यून सिस्टम से मुराद ये कि उन्होंने एक मुश्तरक मलकियत रखी हुई होती है हुकूमत ने, और हिसाब से जो फार्मर्स होते हैं उनको भी उनका हिस्सा मिलता रहता है, तो कम्यून सिस्टम कहते हैं इसको। तो फ़ायदा यह है कि आमतौर पर जितने भी देहाती या छोटे इलाकों के लोग होते हैं वो शहरों में आ जाते हैं, वो ज़रात वगैरह छोड़ के, ताकि कुछ कमा सकें। इससे फ़ायदा है कि उन लोगों को शहरों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही ज़रात वगैरह करते हैं, क्योंकि हुकूमत उनको थोड़ा काफ़ी प्रोवाइड करती है हेल्प, और उससे इनके मुल्क की जो ज़रात है, एग्रीकल्चर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एक एग्रीकल्चरल कंट्री हम कह सकते हैं इसको। तो इस तरह इन्होंने अपनी इकॉनमी वगैरह को भी बेहतर बनाया है और इसका दुनिया में फैशन बन चुकी है। हर छोटे से छोटी बड़े से बड़ी चीज़ जो है वो चाइना उनको प्रोवाइड करता है। इन्होंने GNP का इस्तेमाल किया है, ग्रोस नेशनल शायद प्रोडक्ट मेरा ख्याल। तो उसमें ये कि इनकी इस वक्त GNP इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई किया है। GNP होता है कि टोटल प्रोडक्शन जो एक कंट्री करती है, कि वो इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, और इसलिए चाइना एक वक्त एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। इसके आगे इन्होंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया हुआ, जैसे छोटा सा वो लिखा है कि एक 16 साल का जो स्टूडेंट होता है उसकी क्या लाइफ होती है। तो इस हिस्से में इन्होंने एक 16 साल के बच्चे का जैसे इंटरव्यू लिया, उसने बताया कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ 8 बजे, फिर 11:30 बजे वापस आता हूँ, वापस आके खाना वगैरह खा के 1:30 बजे फिर वापस जाते हैं स्कूल, और फिर वहाँ से 3 बजे आते हैं, और ये कि जो भी स्कूल की पढ़ाई वगैरह होती है, होमवर्क वगैरह, हम वही कर लेते हैं स्कूल के अंदर ही, फिर वापस आके 3 बजे हम लोग सिर्फ और थोड़ा बहुत अगर कोई रिव्यू करना हो तो वो कर लेते हैं, और शाम को अपनी उम्र के लड़के लड़कियों के साथ बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। और ये कि उनको ज़्यादा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है, कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू ये बातें हुई हैं। फिर चाइना की ख्वातीन के बारे में कहा गया कि वहाँ की जो ख्वातीन हैं, अगर उनको वेस्टर्न ख्वातीन से कंपेयर किया जाए तो वो ज़्यादा कहें फेमिनिन नहीं है, कि वो ज़्यादा लड़कियों की तरह नहीं है, उनका कोई सुर्खी पाउडर पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, इंस्टेड वो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के। यहाँ की ख्वातीन भी प्रॉपर काम करती हैं और उनको बाकायदा तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, उनको प्रॉपर सैलरी दी जाती है और उनको थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उनको 56 डेज़ की एक पेड छुट्टियां दी जाती हैं। फिर ये उनके जो बच्चे होते हैं उनका किंडरगार्टन लेवल के बच्चे, उनको मुफ्त तालीम भी उनकी दी जाती है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात की है, कि वहाँ के जो लेबर वगैरह हैं उनको क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए गए हैं। उसमें ये कि जितने भी वहाँ के हैं काम करने वाले मजदूर वगैरह या जो भी जॉब्स करते हैं, उनकी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके अलावा उनको पेंशन वगैरह भी दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, और जो मर्द हैं वो तकरीबन 60 की उम्र में रिटायर होते हैं, और जो ख़वातीन हैं वो 50 से 55 की उम्र में रिटायर होती हैं, डिपेंडिंग कि अगर वो क्लरिकल वर्क कर रही हैं तो।
उसके अलावा उनको इन्होंने महंगाई को कम से कम रखा हुआ है ताकि हर शख्स जो है वो अफोर्ड कर सके अपने खर्चे। उनको मेडिकल फ्री दिया जाता है, उसके अलावा पेंशन वगैरह दी जाती है, सैलरी भी अच्छी दी जाती है। अगर बीमार हों तो उसके लिए भी उन्होंने सेटअप रखा हुआ है। जहाँ पर भी जो कंपनी वगैरह होगी उन्होंने बकायदा एक डॉक्टर वगैरह अपने रखे हुए होते हैं कि अगर कोई बीमार हो तो वो खुद इलाज करते हैं, अगर सिर्फ बड़ा मसला हो बहुत तो फिर वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो मेडिकल वगैरह भी इनका उधर ही हो जाता है। तो इसके अलावा ख्वातीन के बारे में जो आपको बताया कि 56 डेज की उनको पेड लीव भी मिल जाती है, और इनके जो छोटे बच्चे होते हैं किंडरगार्टन लेवल के उनके लिए स्कूल की एजुकेशन भी ये खुद प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हैं वहाँ के काम करने वालों को। तो ये कि बीच में इन्होंने कुछ लीडर्स के मकूले वगैरह भी लिखे हुए हैं। उसके अलावा एक बंदा था थॉमस होब्स, एक फ़िलासफ़र था, इन्होंने कुछ उसके कॉल वगैरह दे के उससे चाइना को कंपेयर किया है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो माओ जो लीडर था संग माओ, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, तो उसने भी अपनी कौम से ही कहा था कि हम लोग बजाय के ये करें कि बाहर की मशीनरी लेकर आएँ तो वो आएगी और फिर हम उससे काम करें, अगर हम खुद अपनी मशीनरी पैदा करें, खुद अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें तो हम जल्दी काम कर सकते हैं, सस्ता काम कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेहतर काम कर सकते हैं। वैसे भी शुरू में कोई चाइना को मानने को तैयार नहीं था, कोई बिज़नेस करने को भी तैयार नहीं था, लेकिन इन दी एंड चाइना ने अपने आप को प्रूव किया और उसके बाद पूरी दुनिया में चाइना फैशन बना हुआ है। आइए अब इसकी एक्सरसाइज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके जो एक्सप्लेन वर्ड्स हैं, ऑक्सीडेंटल्स से मुराद ये यूरोपियन कंट्रीज़ ली जाती हैं या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़। स्माइल होता है मुस्कुराना, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अब सारे के सारे उनको स्माइल करते हैं, मतलब कि अब मुस्कुरा के इनको वेलकम करते हैं चाइना के लोगों को। माउंटिंग मतलब बढ़ती हुई, ओब्लिवियन भूलना, स्किज़ोफ्रेनिया ये एक जहनी बीमारी है, बॉर्जियस ये होता है मिडिल क्लास यानी कि दरमियाने तबके के लोग फाइनेंशली, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि एक कंट्री जितना भी पूरे साल में चीज़ें प्रोडक्ट करती है प्रोड्यूस करती है बनाती है उसका GNP कहलाता है। मॉडल से मुराद है इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है चाइना का, उसको कह रहे हैं कि वो एक मॉडल। एग्जोडस होता है उन लोगों को कहते हैं कि जो हिजरत कर लेते हैं कि अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चले जाएं। एम्बेलिशमेंट होता है एक चीज़ को सजाना या संवारना। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन ये वो रेवोल्यूशन था, इनकलाब था जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाया था, और जो पहली वाली पार्टी थी तो उनका सारी हुकूमत को तख्ते को पलट के, तो जब इन्होंने नई हुकूमत शुरू की और चाइना को एक प्रॉपर कंट्री बनाया, पहले जो लोग अफीम वगैरह में पड़े हुए थे और अपनी पोटेंशियल से और अपनी क्या क्या इनके पास पावर मौजूद है उससे नावाकिफ़ थे, तो इन्होंने वो तमाम की तमाम चीज़ों को बाहर लेकर आए और चाइना को दुनिया में एक अच्छा मकाम दिया। तो वो जो इनकलाब की जो तहरीक थी उसको ये कहते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 1960 में हुआ था ये, 1966 में। थॉमस होब्स ये एक फ़िलासफ़र था, तो जिसने चाइना के उसकी कुछ किताबें वगैरह हैं, तो उसके अंदर से कुछ उन्होंने मकूले लेके तो उससे कंपेयर किया है चाइना को कि उनके हिसाब से चाइना की क्या परफॉर्मेंस रही। आपके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी इसके कुछ कॉल मौजूद हैं जिनको भी डिस्कस किया जाएगा। फिर लेविएथन, ये थॉमस होब्स की लिखी हुई ही एक बहुत बड़ी मशहूर किताब थी। फिर जक्स्टापोजिशन ये होता है कि दो चीज़ों को साइड बाय साइड रखना, कि आप चीज़ों को जो फैक्ट्स हैं उनको साथ रखे कोई नतीजा वगैरह अख़ज़ करें। ये थे आपके रीडिंग नोट्स। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैज़ द वर्ल्ड चेंज्ड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना। लोगों ने चाइना की जानिब अपना एटीट्यूड क्यों चेंज किया है? वो इसलिए क्योंकि पहले तक तो चाइना को कोई मुंह नहीं लगा रहा था, कि इसको कोई कंट्री भी नहीं मानने को तैयार था, लेकिन चाइना ने अपने आप को ऐसे कह लें तरक्की डेवलप किया है कि पूरी दुनिया में फैशन बन चुका है चाइना, कि लोगों की ज़रूरत बन गई कि वो चाइना के साथ बना के रखें, इनके साथ बिजनेस करें ही करें अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो इसलिए जब चाइना लोगों की ज़रूरत बन गया तो फिर तमाम लोगों के चाइना के साथ जो रवैये थे वो भी तब्दील हो गए। तो जो लोग पहले इनकी तरफ देखना गवारा नहीं करते थे तो वो मुस्कुरा के लाइनों में खड़े होकर इनसे हाथ मिलाते हैं। मैं कहा गया कि वो जो लीडर है कि उसका तो हाथ उनसे वो हाथ मिला के थक जाता होगा कि इतने ज़्यादा लोगों ने फिर इनके साथ बिजनेस करने के लिए आगे आके दोस्तियाँ बनाई। क्वेश्चन जो है, डिस्कस चाइनीज एग्रीकल्चरल सिस्टम। उनका एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है वो क्या है, ज़राती सिस्टम, उसको डिस्क्राइब करना है। देखिए इनका जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है उसको उन्होंने कुछ ब्रिगेड्स में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट एरियाज़ को ब्रिगेड्स में डिवाइड कर लिया है। और उसके बाद ये कि वहाँ पर कम्यून सिस्टम चलता है। कम्यून सिस्टम से मुराद है कि जो भी मजदूर वगैरह हैं, लेबर वगैरह, उनके साथ इन्होंने थोड़ी मलकियत की शराकत की हुई होती है गवर्नमेंट ने,
तो इससे बीच में गवर्नमेंट की भी संभाले इन्वेस्टमेंट वगैरह रहती है, तो वो लोग मेहनत वगैरह करते हैं, काम वगैरह करते हैं, इससे उनको भी बहुत फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो वो कम्यून सिस्टम है उनका, ज़रात का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, और चाइना जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और उन्होंने ब्रिगेड्स में डिवाइड किया कंप्लीट सिस्टम को, और उसमें कम्यून सिस्टम चलता है। इससे जो लेबर फार्मर्स वगैरह हैं, किसान हैं, उनको शहर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो अपने काम काज के लिए शहर में हैं, और अपने खुद ही वो फसलें वगैरह संभालते हैं, और उनको भी नौकरियां मिली रहती हैं, और इनकी एग्रीकल्चर जो सिस्टम है वो भी बहुत बेहतर हो जाता है। क्वेश्चन 3 है, हाउ डज चाइना रिलाई ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। चाइना जो है वो अपने रिसोर्सेज पे कैसे रिलाई करता है, उन पे कैसे निर्भर रहता है। तो ये कि चाइना जो है शुरुआत में इनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, तो जो इनका लीडर था माओ, तो उसने इनको कहा था कि हम लोग बाहर से वो सारी मशीनरी वगैरह लेकर आए, एक तो वो लाना मुश्किल, फिर हम अगर उनको इस्तेमाल करें तो उससे इतनी तेज़ी से काम नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, इतना अगर हम खुद अपनी मशीनरी प्रोड्यूस करें और ख़ुद उसे चीज़ें बनाएं तो हमें उतना फ़ायदा होगा। तो बजाय कि हम बाहर की मशीनरी लेकर आएँ, इसने खुद अपनी कंट्री को डेवलप किया, तमाम लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत मेहनत की, उन्होंने खुद अपने रिसोर्सेज प्रोड्यूस किए, और उसके बाद ये कि बजाय कि ये बाहर से चीज़ें मंगवाएं, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है ये वो खुद बना लेते हैं, और फिर वो चीज़ें पूरी दुनिया में अब एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से उनको कह रहे हैं कि ये जो है एक अपने ही रिसोर्सेज पे चलती है, ये नहीं कहते कि हम फलां मुल्क से वो चीज़ मंगवा के तो उसके ज़रिए काम करेंगे, कहते हैं फलां मुल्क के पास है तो हम खुद बनाएंगे ये, और हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और फिर यही चीज़ दूसरों को भी बेचेंगे। तो इसलिए कह सकते हैं अपने रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर गए। फिर डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ अ चाइनीज स्टूडेंट। चाइनीज स्टूडेंट की लाइफ का दिन क्या कैसा होता है। जो जो तमाम बातें बताई कि सुबह 6 बजे उठता है, 8 बजे स्कूल, 11:30 बजे फिर वापस खाना खाया, 1:30 बजे फिर स्कूल, स्कूल से फिर 3 बजे घर वापस आना है, और सारा सारा होमवर्क वगैरह वो स्कूल में ही कर लेते हैं, घर में आके थोड़ी सी स्टडी करते हैं, फिर शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से एक स्टूडेंट लाइफ चाइना में गुजरती है। फिर क्वेश्चन 5 है, राइट अ नोट ऑन चाइनीज़ वुमेन। चाइनीज़ वुमेन के ऊपर नोट लिखें। जैसा कि इसके अंदर जिक्र किया गया था कि जो खवातीन हैं वो ज़्यादा लड़कियों वाली नहीं है, सुर्खी बॉर्डर टाइप वाली नहीं है, बल्कि ये कि वो मर्दों के शाना शाना काम करती हैं, मेहनत करती हैं, और मेहनत में ही उनकी अजमत है। तो मेहनत कर कर आके मर्दों के शाना बशाना उनको प्रॉपर सैलरीज मिलती हैं, प्रॉपर हकूक मिलते हैं, और उनको भी स्पेशल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन चाइनीज़ जो ख़वातीन हैं वो किसी भी दूसरे मुल्क की ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू चाइनीज़ वर्कर्स। चाइनीज़ जो वर्कर्स हैं उनको क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसमें जो जो बताया गया था कि एक तो 8 घंटे वो डेली काम करते हैं, उनकी प्रॉपर सैलरीज उन्होंने अच्छी रखी हुई हैं, फिर पेंशन वगैरह उनको प्रोवाइड की जाती है, उनको अखराजात इनके कम होते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर उन कैफेटेरिया बनाए हुए हैं जहाँ पर इनको सस्ता खाना दिया जाता है, इनको फ्री मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है, आमतौर पर उन्होंने अपने ही डॉक्टर रखे हुए होते हैं कंपनीज़ वगैरह ने, जहाँ पर इनके तमाम के तमाम इलाज होते हैं, अगर कोई बड़ा मसला हो तो फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं। इसके अलावा इनके जो बच्चे हैं, इवन के जो इनकी फैमिलीज़ वगैरह हैं, उनको भी 50% डिस्काउंट दिया जाता है ये मेडिकल वगैरह पे, और ये फ्री में अपना इलाज करवाते हैं। इसके अलावा इनके पेंशन वगैरह भी हो गई। फिर जो ख़वातीन हैं उनको 56 डेज़ की पेड लीव दी जाती है जब वो प्रेग्नेंट हो। इसके फिर तकरीबन ये तमाम की तमाम बातें यही हैं, ये कि वहाँ पर इतना ख्याल रखा जाता है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो तंग ना हो, और इन्होंने इनके अखराजात कम से कम किए हुए, और हर वो हक प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनका हक बनता है। क्वेश्चन 7, इट इज़ द पीपल एंड नॉट द थिंग्स दैट आर डिसिजिव। मीन्स इसको डिस्कस करें कि वो लोग हैं, चीज़ें नहीं हैं जो कि फैसला कुन होते हैं। ये जो आपको भी एक राइटर का नाम बताया था, थॉमस होब्स, एक फ़िलासफ़र, ये उसने अपनी किताब में लिखा था कि लोग होते हैं जो कि दरअसल फैसला कुन होते हैं, ना कि चीज़ें। चीज़ों से फैसला नहीं होता कि आप क्या हैं और आप क्या बनेंगे, बल्कि लोगों ने फैसला करना होता है कि वो क्या हैं और वो क्या बनना चाहते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने चाइना से कंपेयर किया कि इन लोगों ने चीज़ों को नहीं देखा, उन लोगों ने खुद डिसाइड किया कि हमने बड़ा बनना है, और उन्होंने खुद फिर चीज़ें प्रोड्यूस की, और उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने आप को और बड़ा किया है। कि दरअसल लोगों के ऊपर होता है, इन चीज़ों के ऊपर नहीं होता। मटेरियल्स की बात नहीं है, इंसान की अपनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, अपना उनका अज़म और हौसला होना चाहिए, तो वो तरक्की करते हैं। क्वेश्चन 8 है, द हार्ट ऑफ द मैटर इज़ द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस। ये उनके लीडर ने कहा था कि इसका जो मामला, उसका हल ये है कि हम लोग अपने अंदर की जो खुदगर्जियाँ हैं उनको निकालें। ये कि चाइनीज़ जितने भी लोग हैं उन्होंने बजाय के अपने जुए वगैरह करते या आवारा गर्दियाँ करते हैं, अयाशिया वगैरह करते हैं, उन सब ने मिलजुल के मेहनत की, एक दूसरे की भी हेल्प की,
सिर्फ अपने फ़ायदे नहीं देखे, अपने मुल्क का भला देखा और मिलजुल के मेहनत की हर फील्ड में की, और मिलजुल के ही क्या किया कि अपनी कंट्री को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेकर आ गए, उनको एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया। सेल्फिशनेस को उन्होंने निकाल दिया, कि ये ज़रूरत ही कि वो सेल्फिशनेस को निकालें, उन्होंने सेल्फिशनेस को निकाला और पहले अपनी कंट्री को रखा, उसके लिए मेहनत की, मिलजुल के मेहनत की और बुराइयों से बाज रहे और आखिरकार अपने अपना लोहा उन्होंने मनवाया। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ध्यान में रखिए, इन क्वेश्चंस के अलावा आपकी एक्सरसाइज के अंदर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा आपने एक बार कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन ज़रूर रीड करनी है। ये एक काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो मैंने तकरीबन तमाम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपके कवर हो जाएंगे जब आप एक बार ट्रांसलेशन को पढ़ लेंगे, आपके बीच के सिनोनिम्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।